दोस्तों नमस्कार, मैं राजनीत कुमार एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नई कविता के साथ। दोस्तों, समय किसी का नहीं होता है, अच्छा समय और बुरा समय आते जाते रहता है। बहादुरी इसमें है कि हम कोई भी समय हो उसका मुकाबला करें, उसको झेलें, उसको गुजर जाने दें, क्योंकि उस समय के गुजर जाने के बाद ही हम और निखर कर सामने आएंगे। सो चलते हैं आज की कविता की तरफ। आज की कविता है अपनी राख से। अपनी राख से खड़ा हो जाऊं दोबारा, अपनी राख से खड़ा हो जाऊं दोबारा, अपनी राख से खड़ा हो जाऊं दोबारा तो मुझ पे कभी अचंभा नहीं करना। अपनी राख से खड़ा हो जाऊं दोबारा तो मुझ पे कभी अचंभा नहीं करना। मैं सौंर के बिखरा हूं, बिखर के सौरा हूं, बह जाऊंगा पानी सा मैं बन के झरना। अपनी राख से खड़ा हो जाऊं दोबारा तो मुझ पे कभी अचंभा नहीं करना। मैं सौंर के बिखरा हूं, बिखर के सौरा हूं, मैं पानी सा बह जाऊंगा बन के झरना। जल को नई दिशा दे सकते हो तुम, जल को नई दिशा दे सकते हो तुम, जल को नई दिशा दे सकते हो तुम, पर कहो बहती नदी को कब तक रोकोगे। जल को नई दिशा दे सकते हो तुम, पर कहो बहती नदी को कब तक रोकोगे। ग्रहण तो सूर्य चंद्र को भी लगते हैं, कहो जलती ज्वाला में क्या क्या झोंकोगे। हर भोर शोर नहीं करता है हर रोज, हर भोर शोर नहीं करता है हर रोज, हर भोर शोर नहीं करता है हर रोज, ज्यादा फर्क नहीं है मृत अमृत और जहर में। हर भोर शोर नहीं करता है हर रोज, ज्यादा फर्क नहीं है मृत अमृत और जहर में। उजाले अंधेरे में एक बीच की रेखा है जो सबको दिखती है शाम और सहर में। मेरी चिंता छोड़ो, छोड़ो मेरी परवाह, मेरी चिंता छोड़ो, छोड़ो मेरी परवाह, मेरी चिंता छोड़ो, छोड़ो मेरी परवाह, मैं तो पत्थरों से भी जीवन खींच लूंगा। मेरी चिंता छोड़ो, छोड़ो मेरी परवाह, मैं तो पत्थरों से भी जीवन खींच लूंगा। मैं पत्थर से बालू बना, बालू से पत्थर, अपने स्वेद से भी मैं खुद को सींच लूंगा। मेरे मन को सूरज बनने की चाह नहीं है, मेरे मन को सूरज बनने की चाह नहीं है, मेरे मन को सूरज बनने की चाह नहीं है, बस दीपक सा जल जाऊं, बुझ जाऊं, जल जाऊं। मेरे मन को सूरज बनने की चाह नहीं है, बस दीपक सा जल जाऊं, बुझ जाऊं, जल जाऊं। तो मुझ पे कभी अचंभा नहीं करना अगर कहीं मैं जुगनू बन के टिमटिमाऊं। दोस्तों ये मेरी कविता है, प्लीज मुझे बताइएगा आपको ये कविता कैसी लगी। आपने अपने संघर्ष के दौरान कितनी बार असफलताओं का सामना किया है, कैसे किया है बताइएगा। इस कविता को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगली बार जब मैं नई कविता अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।